बहू के हाथों का जादू। वेदिका को बचपन से खाना बनाने का शौक होता है और बहुत छोटी सी उम्र से ही वो स्वादिष्ट और मन मोह लेने वाला खाना बनाने लगती है, जो सबके लिए हैरानी की बात होती है। और यहीं से वेदिका का सफर शुरू होता है, जिसमें वो बड़े होकर अब देश की सबसे मशहूर शेफ बन गई है। वाह मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने अपने साथ देश में हमारा भी नाम रोशन कर दिया। इतना भी नहीं करना था, ऑफिस में सब मुझे मेरे काम से ज्यादा इसके रेस्टोरेंट के रिजर्वेशन के लिए याद करते हैं। चुड़ैल गई की। तो करा लेना रिजर्वेशन, तेरी नाक भी ऊंची हो जाएगी। इसी तरह खुशी और तरक्की के साथ वेदिका की लाइफ चल रही होती है। एक शाम विक्की अपने दोस्तों के साथ उसके रेस्टोरेंट में आता है, जहां खाने के बाद वो पूरे समय बस खाने की तारीफ करने के अलावा और कुछ नहीं बोल पाता। क्यों भाई, अब बता, ये खाना तुझे ऑस्ट्रेलिया में कहीं मिलेगा? अरे कभी नहीं, ऐसा खाना शायद ही मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी खाया होगा। इसके लिए तो मुझे शेफ से मिलकर खुद बोलना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक रेस्टोरेंट खोल ले। हाँ हाँ बोल ले, क्या पता मान ले। विक्की वेटर से बोलकर शेफ को बाहर बुलाता है और वेदिका के वहाँ आते ही वो बस उसे देखता रह जाता है। जी उम्मीद है आप लोगों को खाना पसंद आया होगा। खाना तो हमेशा की तरह सुपर से ऊपर है। शुक्रिया, बस आप लोगों की यही खुशी हमारे अच्छे काम करने की मोटिवेशन है और हमारे यहाँ आने की। आप विक्की की बात पर वेदिका हैरानी से उसके तरफ देखने लगती है, जिसे देख वो अचानक बात बदल लेता है। मतलब हमारे यहाँ आने की मोटिवेशन आपका खाना, आपको तो वर्ल्ड फेमस होना चाहिए। इंडिया से बाहर भी रेस्टोरेंट खोलिए ना, फिर आपके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। आपकी इतना सोचने के लिए थैंक यू, पर मुझे ना तो आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करने का शौक है और ना ही फेमस होने का। बस अपने बनाए खाने से लोगों के चेहरों पर सुकून और खुशी देखकर मेरा काम पूरा हो जाता है। ये कहकर वेदिका चली जाती है, लेकिन उसकी सोच, बातों और खाने से इम्प्रेस्ड विक्की अब रोज रेस्टोरेंट आने लगता है, जहां अगर जगह मिले तो अंदर, नहीं तो बाहर खड़ा वेदिका का इंतजार करता रहता है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है और वेदिका शादी करके पहुंच जाती है ससुराल। इस साल मैं इंडिया में रह सकता हूँ, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ेगा। तुम भी वहीं अपना रेस्टोरेंट खोल लेना, आई गारंटी यू वहाँ इस खाने के लिए लोग पगला जाएंगे। देखो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और हमारे पास पूरा एक साल है, तो बाद में आराम से सोचते हैं। अरे भाई हमने खाने की इतनी तारीफ सुन ली कि अब और इंतजार नहीं होता, हमें भी कुछ बनाकर खिला दो। हाँ हाँ जरूर मम्मी जी, बस 15 मिनट रुकिए। अब जैसे ही सास वेदिका के हाथ से बना खाना खाती है, उस दिन से घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं बनाता, जिसमें अब वेदिका रेस्टोरेंट और घर दोनों तरफ खाने की जिम्मेदारी संभाले खुशी से रह रही होती है। तू शायद दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जिसे पूरा समय रसोई में खड़ा रखो तो भी दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, खाना बनाना मेरा प्यार है और उससे लोगों के चेहरे पर आया सुकून मेरी खुशी। इसी तरह खाते खिलाते एक साल बीत जाता है और विक्की ऑस्ट्रेलिया वापस जाने को तैयार होता है। वीजा प्रोसेस में दिक्कत नहीं होती तो इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाना पड़ता, और मम्मी भी खाने के लालच में यही रुक गई। मैं तो वहाँ बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अरे नौटंकी मत कर, जल्दी वहाँ बहू का नया रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर, तब तक हम भी यहाँ का काम खत्म करके आ जाएंगे। जल्दी आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जिससे तुम दुनिया में फेमस हो जाओगी। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं, पर मुझे सबके चेहरों पर उस सुकून के साथ जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम सुनकर ही खुशी मिलेगी। अब तीनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां विक्की को छोड़ वेदिका रेस्टोरेंट और सास घर चली जाती है। रात को दोनों सास बहू साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब क्या मम्मी ये बोरिंग न्यूज देख रही है, कोई अच्छी फिल्म लगाइए ना। अरे तेरे ससुर जी खुद तो चले गए, मुझे न्यूज की आदत लगा गए, रुक बदलती हूँ। जैसे ही सास चैनल बदलने वाली होती है, टीवी पर प्लेन क्रैश की न्यूज आती है,
जिसमें विक्की के एरोप्लेन की इन्फॉर्मेशन के साथ मृत लोगों के नामों में विक्की का नाम देख दोनों हैरान रह जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ना मम्मी जी, ये गलत है। हाँ हाँ बेटा, जरूर एयरलाइंस वालों से नाम में गलती हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। एक पल का इंतजार किए बिना दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां भी वही खबर मिलती है, जिसके बाद से वेदिका अपने आप को घर में बंद कर लेती है और अब लोगों से बात करने के साथ खाना बनाना भी छोड़ देती है, जिस वजह से कुछ ही हफ्तों में उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। वेदिका, बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैंने तो पहले पति और अब बेटा दोनों खोए हैं, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं बेटा। ऐसे अपने आप को घर में कैद कर लेना, किसी से बात ना करना, कुकिंग जिसके लिए तुम दुनिया भूल जाती थी उसे भी छोड़ दिया, इन सब से तुम सिर्फ अपने आप को नहीं मुझे भी दर्द दे रही हो बेटा। दर्द के अलावा अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है मम्मी जी, अब ना कोई प्यार बचा है, ना सुकून ना खुशी, फिर कैसे बाहर जाकर लोगों के साथ हंसूं? और जिस खाने के लिए दुनिया भूलती थी उसी ने मुझे मेरी दुनिया से मिलवाया था, अब वो दुनिया ही नहीं बची, अब मुझे किसी चीज से क्या लेना देना। तुम्हें भले ना हो पर मुझे तो जरूरत है, इस बुढ़िया को अब कोई नौकरी नहीं देगा और सेविंग्स भी खत्म होने आई है, तुम्हें कुछ तो करना होगा ना बेटा। सास की बात सुनकर वेदिका खर्चे के लिए अपनी सारी ज्वेलरी उन्हें दे देती है, लेकिन रेस्टोरेंट दोबारा खोलने के लिए मानती नहीं। कुछ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया से एक पोस्ट उनके घर आती है। ये तो विक्की के नाम से है, पढ़ तो जरा, क्या पता कोई जरूरी चीज हो। जैसे ही वेदिका पेपर्स पढ़ती है उसकी आंखें भर आती है। क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें जो तू रोने लगी? विक्की ने ऑस्ट्रेलिया में मेरे रेस्टोरेंट के लिए जगह खरीदी थी, जिसकी ऑनरशिप अब मेरे नाम हो गई है। अल्टरनेटिव एड्रेस में यहाँ का पता होने की वजह से उन्होंने पेपर्स इंडिया भेजे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये। याद है बेटा, घर से जाते हुए उसने कहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, शायद वो यही था। उसे लोगों की जुबान पर तुम्हारा नाम सुनना था, तुम्हें दुनिया में फेमस होते देखना था, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। तुम्हें नहीं लगता बेटा कि ये तुम्हें पूरी करनी चाहिए? इस बार वेदिका सास की बातों से इनकार नहीं कर पाती, जिसके कुछ समय बाद दोनों ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, जहां आधी चीजें विक्की ने पहले से सरप्राइज की तरह तैयार की होती है, और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए वेदिका वहां रेस्टोरेंट खोल नई लाइफ की शुरुआत करती है, और जल्द ही अपने हाथों के जादू और स्वादिष्ट खाने से वो लोगों का दिल जीत कर कुछ ही समय में वर्ल्ड फेमस शेफ बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।